सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आपको मिल गया था? अभी देखा नहीं होगा मैंने, कहाँ पर भेजा था आपने? रोमा मैम को मैंने मैं भी नहीं देखा, देख लिया। टिकट अरेंजमेंट का है। अभी आपने तो अभी भेजा है, इससे पहले के बहुत सारे डाउट्स पड़े, पहले वो सेंड कर दूंगा, आपका भी भेज मेरे को आंसर पता है उसका, मैंने आपका वो देखना सॉल्यूशन। दूंगा। वो मैं पहले क्लास चला दूँ, उसके बाद कराऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। चलो, गुड आफ्टरनून सभी लोगों। ये वाला क्वेश्चन करा था आप लोगों ने, हो गया ये वाला क्वेश्चन? सभी लोगों का हो गया ये क्वेश्चन, ये वाला सॉल्यूशन? सभी लोगों का हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। गुड आफ्टरनून प्रणति, गुड आफ्टरनून सोनाक्षी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सर एक बार वो क्रॉस चेक करा दो, ये वाला क्वेश्चन। बताओ, आप बताओ आंसर। क्रॉस चेक करने का मतलब मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई एक गिना आंसर हाँ बता दो उसका। मैं बता दूँ? हाँ बताओ। हाँ वो लिखो फिर। अरे इसका आंसर बता दो बस, ये आंसर इसका मैच करा लो बस। अच्छा हाँ पहले वाला करेक्ट है। सर आप लोग बताओ, सब लोग बाकी लोग भी बताओ। दूसरे वाला भी करेक्ट है। द फॉलोइंग पेयर एंड देयर कंट्री इज करेक्ट, एक ही हो सकता है ना इसमें। हाँ कौन सा ऑप्शन सही है इसका? रुक जाओ, गलत करके बैठे हो सर। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। दो कैसे हो सकते हैं इसके आंसर? चलिए, सिक्स ब्राइड ग्रूम्स पंकज काजी रोहित सोहेल तरुण ने उत्सव मैरिड विद इन अ ईयर इन द मंथ फरवरी अप्रैल जुलाई सितंबर नवंबर एंड दिसंबर। द ब्राइड्स आर आसमा विमला ज्योति डेजी एलिना फातिमा। ऑल ऑफ देम गॉट मैरिड इन डिफरेंट कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड पाकिस्तान एंड नीदरलैंड। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, पहले तो ये लोग शादी इनकी जो हुई है अलग अलग महीने में हुई है, फरवरी अप्रैल जुलाई सितंबर नवंबर दिसंबर। सितंबर नवंबर एंड दिसंबर। चलो ठीक है, तो इससे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से मंथ में। अभी चुप था, अभी तक अभी बोल रहा हूं, क्लियर होगा वॉइस वगैरह? वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? क्लियर है ना मानसी सब कुछ? हाँ क्लियर है सारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग छह लड़कियां हैं और छह लड़के हैं। छह लड़कों के नाम क्या क्या है? पंकज काजी रोहित, पंकज काजी रोहित सोहेल तरुण उत्सव, सोहेल तरुण उत्सव। और लड़कियां कौन कौन है आपकी? आसमा विमला ज्योति,
डेजी अलीना फातिमा। भाई सोनाक्षी का आंसर कर दो सब लोग जरा। सोनाक्षी आपके एंड पे प्रॉब्लम है ये। भाई ठीक है चलो स्टार्ट करें। ठीक है शादी करवानी है हमें अब। चलिए तो यहाँ तक हो गया आपका। द फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स अबाउट द मैरिज। रोहित रोहित वेडिंग टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। ओके मतलब रोहित की शादी कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका में हुई है। रोहित की शादी साउथ अफ्रीका में हुई है। हाउ एवर ही वॉज नॉट मैरिड टू आसमा और फातिमा। ओके आसमा और फातिमा से नहीं हुई है। किससे नहीं हुई रोहित की शादी? आसमा और फातिमा से नहीं हुई। पंकज वेडिंग टुक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। पंकज की शादी कहां पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। एंड तरुण वेडिंग इन न्यूजीलैंड। और तरुण की शादी कहाँ पे हुई है? न्यूजीलैंड में हुई है। नाइदर ऑफ देम वॉज मैरिड टू विमला और डेजी। यानी कि पंकज और तरुण की विमला और डेजी से शादी नहीं हुई है। विमला और डेजी से नहीं हुई और तरुण की भी विमला और डेजी से नहीं हुई। ठीक है। द वेडिंग इन नीदरलैंड टुक प्लेस इन द मंथ विच हैज लेस नंबर ऑफ डेज। या यहाँ पर ये चीज आ जाती है विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज। अब लेस नंबर ऑफ डेज का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे इस बात से? द वेडिंग इन नीदरलैंड टुक प्लेस इन द मंथ विच हैज लेस नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर लीस्ट आ जाता तो ज्यादा बेटर रहता वर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा नीदरलैंड। द ब्राइड्स ज्योतिष वेडिंग टुक इन द मंथ ऑफ अप्रैल बट नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ज्योति की शादी अप्रैल के महीने में होती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ज्योति की शादी अप्रैल में होती है लेकिन कहां पे नहीं होती? ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती। ठीक है चलो। आसमा एंड एलिना गॉट मैरिड इन फरवरी एंड नवंबर रेस्पेक्टिवली। मतलब आसमा की शादी हुई है फरवरी में और एलिना की हुई है नवंबर में। हिमांशी आसमा की शादी कौन सी कंट्री में हुई है? आसमा की देख के बतानी है। आसमा की हुई है नीदरलैंड में। यहां से ही बता रहा था कह रहा था मैं तो। ठीक है आसमा की शादी कहाँ हुई है? नीदरलैंड में। आसमा एंड एलिना गॉट मैरिड इन फरवरी एंड नवंबर रेस्पेक्टिवली एंड इन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो देखो आसमा एंड एलिना गॉट मैरिड इन फरवरी। तो अगर आसमा फरवरी में मैरिड हुई है तो ऑब्वियसली बात है वो नीदरलैंड से है। ठीक है और एलिना गॉट मैरिड उसकी नवंबर में हुई है तो वो आपकी साउथ अफ्रीका में होगी। तो किसकी शादी साउथ अफ्रीका में होगी? एलिना की। समझ आया? अब मुझे बताओ अगर एलिना की शादी साउथ अफ्रीका में होगी तो किससे होगी शादी? बोलो। रोहित से होगी क्योंकि रोहित की भी साउथ अफ्रीका में हो रही है।
तो एलिना साउथ अफ्रीका, रोहित साउथ अफ्रीका, दोनों की शादी हो गई। सोहेल्स मैरिज वॉज हेल्ड इन दिसंबर, सोहेल की शादी दिसंबर में होती है। उत्सव वॉज मैरिड टू विमला बट नॉट इन जुलाई। ओके, तो उत्सव और विमला की शादी होती है, लेकिन अगर जुलाई में नहीं होती तो कहां पे होगी फिर बताओ मुझे। उत्सव वॉज मैरिड टू विमला बट नॉट इन जुलाई। ठीक है, तो एक बात बताओ, उत्सव का दे रखा है? अभी नहीं, उत्सव का नहीं आया, विमला का भी नहीं आया। ठीक है, चलिए। काजी मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस इन नाइदर न्यूजीलैंड नॉर इंग्लैंड। तो काजी की शादी ना तो न्यूजीलैंड में होती है और ना ही इंग्लैंड में होती है। ठीक है, डेजी इज मैरिड टू प्लेस इन पाकिस्तान। तो डेजी की शादी कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। ठीक है, चलो, तो अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंकज की शादी किससे कराएं। पंकज, एक तो ऑस्ट्रेलिया में शादी होती है पंकज की, ठीक है, विमला से हो नहीं सकती, डेदी से हो नहीं सकती, आसमा की नीदरलैंड में है तो विमला नहीं। ओके, अब बात आती है ज्योति। ज्योति भी ऑस्ट्रेलिया में हुई नहीं है, तो पंकज को तो ऑस्ट्रेलिया वाली चाहिए, तो ना तो आसमा, ना तो विमला, ना तो ज्योति, ना तो डेजी, एलिना साउथ अफ्रीका। इसका मतलब पंकज की शादी किससे हुई है? फातिमा से हुई है। समझ आया हिमांशी? हाँ आ गया। तो पंकज, फातिमा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक बार बताओ, पंकज और फातिमा का ऑस्ट्रेलिया आया तो कहां पर जाएंगे? ये जुलाई में ही तो आएंगे। ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो दो कपल मिल गए, पंकज फातिमा मिल गए, एलिना रोहित उत्सव, वो सब मिल गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि काजी, काजी कहाँ जाएगा? तो देखो, काजी ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी, साउथ अफ्रीका में हो चुकी, न्यूजीलैंड में हो चुकी, इंग्लैंड में होनी रही। तो या तो काजी की शादी नीदरलैंड में होगी या पाकिस्तान में होगी। ठीक है, अब देखते हैं, नीदरलैंड में हो रही है आसमा की। ओके, पाकिस्तान में किसकी हो रही है? डेजी की। हाँ तो देखो, आसमा यहाँ है, ज्योति ज्योति यहाँ है, फातिमा विमला यहाँ है, एलिना यहाँ है, तो ये डेजी अपने आप यहाँ जाएगी। देखो, एलिना यहाँ पर, विमला यहाँ पर, फातिमा, ज्योति, आसमा, तो डेजी यहाँ जाएगी। यानी कि डेजी और सोहेल की शादी होगी और ये सोहेल की शादी भी पाकिस्तान में होगी। ठीक है, तो सोहेल की शादी मैंने मैंने ना आपकी तरह नहीं बनाया, मैंने ना कॉलम करके बनाया सारा। कोई बात आपने नहीं, जैसे भी बनाया हो आंसर किया ना चाहिए बस। ठीक है, डेजी, सोहेल, पाकिस्तान, इनकी शादी हो रही दिसंबर में। अब बच गया काजी, तो काजी की शादी कहाँ होगी? पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये तो चले गए। तो कौन सा कंट्री बचा है देखना? ऑस्ट्रेलिया में हो नहीं सकती, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड में हो नहीं सकती, इंग्लैंड में हो नहीं सकती, नीदरलैंड में होगी इसकी शादी में। तो काजी की शादी नीदरलैंड में हो जाएगी। नीदरलैंड, अगर नीदरलैंड में होगी तो काजी की शादी आसमा से हो जाएगी। आसमा, काजी, ये सब रह गए नीदरलैंड। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बचा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। उत्सव की शादी होगी इंग्लैंड में, तो अगर उत्सव की इंग्लैंड में होगी तो विमला की भी इंग्लैंड में होगी, बात खत्म। अब ज्योति के लिए बचा कौन है? ज्योति के लिए कौन बचा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। ज्योति की शादी होगी न्यूजीलैंड में किसके साथ? तरुण के साथ, ज्योति, तरुण, न्यूजीलैंड, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड दिस कंट्री इज करेक्ट। तो आप लोग कह रहे हो डेजी, सोहिल और पाकिस्तान, ये भी सही है। एलिना रोहित साउथ अफ्रीका, ये भी सही है। फातिमा काजी न्यूजीलैंड, ये सही नहीं है। ज्योति उत्सव पाकिस्तान, ये भी सही नहीं है। आसमा तरुण इंग्लैंड, ये भी नहीं है। तो फिर दो सही है, आप लोग सही कह रहे थे। ठीक है, सर एक बार मैच करने दो, ऊपर कर दो।
हो गया हिमांशी मैच। मैच हो गया आप लोगों का। सर एक बार कर दो, एक बार मैंने 3 रह गए मेरे। जूम करूंगा तो आउट ऑफ द पिच कॉन्टेस्ट चला जाएगा मेरे को। ठीक है, हो गया हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। सर कई बच्चों के पास ना पहले से पीपीटी है, वो ना पहले घर से सॉल्व करके आते हैं। अच्छा तो आप भी ले हाँ लेते पीपीटी। अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं रूल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। संदीप भी रूल तोड़ रहा है। चलिए ट्राई करो इसे। अच्छा हाँ जी ऐसी क्वेश्चन आते ना मेंस के पेपर में। नहीं ये जो ऐसे वाले आए थे ये तो मैंने छोड़ दिए थे, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, तो मुझको पता ही नहीं कौन से आए थे। पढ़के तो आने चाहिए थे कम से कम, मालूम तो पड़ता।
सर इसमें जो स्टेयर केस है वो बनानी पड़ेगी। सिर्फ 10 to 20 बनानी पड़ेंगी। क्वेश्चन पढ़ो पूरा। सॉल्व करें। क्या वो ट्राई नहीं किया समक्ष आपने? हिमांशी तो पहली यस बोल दिया। संदीप अच्छा इतने टाइम में हिमांशी क्वेश्चन पढ़ा था पूरा एक बार भी? सर मैंने आराम आराम से किया था, मुझे पता है होना तो है नहीं, मैंने अपना दिमाग लगा के आराम आराम से किया था। दिमाग लगा के आराम आराम, जब आराम आराम से किया तो फिर दिमाग क्या लगाया? जैसे अलेक्सा है तो मैंने इसके लेटर गिने तो फिर ये आ रहे थे अपना 5 आ रहे थे तो फिर मैंने इसके आगे इवन लिख दिया, आगे ऐसे आराम आराम से किया। बहुत बढ़िया। चलो देखो जिसको डाउट हो अनम्यूट करके बोलना, ठीक है? चलो देखो, देर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग अ गेम ऑन द स्टेयर केस ऑफ अ बिल्डिंग विच हैड 30 स्टेप नंबर 1 to 30 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे ऊपर वाली 3, सबसे नीचे वाली 1। दस द टॉप मोस्ट स्टेप फ्रॉम
स्टेप नंबर 1 to 30, इट्स फ्रॉम टॉप टू डाउन, 1 वाली ऊपर 30 वाली नीचे, दैट्स द टॉप मोस्ट स्टेप वाज नंबर्ड एज 1, द सेकंड एज 2 एंड सो ऑन. आउट ऑफ द 6 चिल्ड्रन एलेक्सा रोनित लव वर गर्ल्स. ओके, तो लड़कियां कौन कौन है इसमें, एलेक्सा रोनित एंड लव, एलेक्सा रोनित एंड लव, ठीक है, ये लड़कियां हैं. वेयर एज ब्राइन अंश एंड जॉर्ज वर बॉयज, ब्राइन अंश एंड जॉर्ज, no two children were standing on the same step of the staircase initially, they were standing on the stairs numbered between 10 to 20, yani ki unko 10 se 20 hi banane ki zarurat hai, theek hai, sari banane ki zarurat nahi, to one wali top pe thi, fir 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 niche tak 30. टेन या 20 बनाने की जरूरत नहीं, क्या तूने बिटवीन बोला है, ठीक है, ईच ऑफ, अब यहां पर ना देवर स्टैंडिंग स्टीयर्स नंबर्ड बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में है, तो अगर आप यहां पर ये कंसीडर ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना कंफ्यूज हो गए. ठीक, ईच ऑफ देम हैड सम टॉफीज इन द रिस्पेक्टिव बैग, सबके पास टॉफियां हैं, दे हैड डिसाइडेड ऑन द रूल्स ऑफ देयर गेम इन विच दे विल चेंज देयर पोजीशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टॉफीज दे हैव, चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम वर स्टैंडिंग ऑन द ऑड नंबर स्टेप्स. हाँ बोलो सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि 1 2 नहीं बनाने, क्योंकि क्या पता वो पोजीशन अपन चेंज कर लें 11 से, क्या पता 9 पे आ जाए. अगर वो आएंगे तो आगे देखेंगे, अभी क्वेश्चन क्या एकदम से पूरा पढ़ लिया, जब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे तो उतना करो ना जितना दिया गया है, 1 से 30 तक चीड़े ही बनाते रहोगे बैठे बैठे क्या होगा. चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम वर स्टैंडिंग ऑन द ऑड नंबर स्टेयरकेस, and children with an odd number of letters in their names were standing on the even number. ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, इस बार भी IBPS PU में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, आता ही आता है ऐसा इवन लेटर्स और ऑड लेटर्स करके, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो जैसे एलेक्सा है, ब्राइन है, ये रोनित है ना, रोनित था ये, रोनित, अब इनके जो नाम है इनके नामों में ऑड लेटर्स है, 5 5 है, यानी कि ये इवन स्टेयर पे खड़े होंगे, लव हो गया, अंश हो गया और जॉर्ज हो गया, इसमें 6 और 4 4 है, यानी कि ये ऑड पे खड़े होंगे, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया है जिल्ला में जिन्होंने ऑड नंबर लेटर्स इन द नेम स्टैंडिंग द इवन नंबर स्टेप्स. The number of toffees with the children were, उनके संग toffees कितनी कितनी थी, 50, 31, 35, 36, 30, 57. ये 6 अलग अलग quantities उनके पास toffees थी, ठीक है, but not necessarily in that order. The number of toffees with Alexa, the number of toffees with Alexa is an even number, ठीक है, यानी कि 50 हो सकती है, 36 या 30 हो सकती है, क्योंकि ये तो 57 है ना, 50 36 30 हो सकती हैं. The number of toffees with the children, कहाँ गया? The number of toffees with Alexa is an even number, which is twice her staircase number. अब एक बार बताओ, वो लोग 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में से कहीं ना कहीं 19 तक खड़े हैं. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, Alexa के नाम के अंदर कितने लेटर्स है, 5, यानी कि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं,
यानी कि एलेक्सा कहाँ पे खड़ी होगी, इवन नंबर स्टेयर पे खड़ी होगी, तो किस पे खड़ी हो सकती है, या तो 12 पे या 14 पे या 16 पे या 18 पे। सही बोला हिमांशी, एलेक्सा इन में से किसी एक पे खड़ी होगी। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, अब 12 पे खड़ी होगी तो 24 ट्रॉफियां है नहीं, 14 पे खड़ी होगी तो 28 ट्रॉफियां है नहीं, 16 पे खड़ी होगी तो 32 ट्रॉफियां है नहीं। इसका मतलब एलेक्सा खड़ी है 18वें नंबर वाली स्टेयर केस पे, और एलेक्सा के पास कितनी ट्रॉफियां हैं, 36 ट्रॉफियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये पॉइंट। चलो हिमांशी अगला पॉइंट पढ़ो जरा, क्या लिखा है पढ़ो जरा। Alexa and George were standing at a gap of 4 steps. And the difference in the number of trophies with them is 1. यानी कि जॉर्ज के पास 35 ट्रॉफी है, वो तो क्लियर है। अब Alexa and George are standing at a gap of 4 steps. तो gap of 35 कैसे हैं? पढ़वाया था इसलिए पढ़वाया था। पढ़ो इसे फिर से। Alexa and George were standing at a gap of 4 steps and the difference in the number of trophies with them is 1. इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, 35 और 36 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब एलेक्सा और जॉर्ज के बीच में 4 स्टेप्स का फर्क है, तो कहां पर खड़ा होगा वो? 1, 2, 3 और स्टेप पे, चौथे स्टेप पे। क्योंकि यार आप उनके स्टेप्स काउंट करोगे 14 और 18, इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें 4 का, तो 4 स्टेप्स के डिफरेंस हो गए। अब जॉर्ज के पास ट्रॉफी कितनी हो गई? 35। The stair number of Brian and Love are not prime numbers. So, आ जाओ इधर। The stair numbers of Brian and Love are not prime numbers. Okay, okay, okay. हाँ हाँ हाँ, एक पॉइंट। तो 13 पे आएगा ना वो? हाँ हाँ, 13 पे आएगा। ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब है चार गैप है, चार सीढ़ियों का गैप है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये पॉइंट। जॉर्ज आएगा 13वें स्थान पे, 1, 2, 3, 4 जॉर्ज आएगा यहाँ पे, क्योंकि जॉर्ज के एक तो नाम के अंदर 6 हैं, तो 35 इस पे ही आएगा। ठीक, ओके, समझ में आ गया वांछी ये पॉइंट। उसके बाद हाँ आ गया, द स्टेयर नंबर ऑफ ब्रायन एंड लव आर नॉट प्राइम नंबर्स, यानी कि ब्रायन और लव का जो सीढ़ियां है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, तो 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 है और 19 है, यानी कि इन चारों पे नहीं खड़े कौन, ब्रायन और लव। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ, मैं लव की बात करता हूँ। ठीक है, तो लव तो किस पे खड़ा होगा, ऑड नंबर वाले स्टेयर पे खड़ा होगा, 11 पे हो नहीं सकता, 13 पे नहीं हो सकता, 17 पे हो नहीं सकता, 19 पे नहीं हो सकता, तो लव कहाँ पे जाएगा? समझ आया सर? एक बार दोबारा बता दो क्या लिखा है वहां पे, कि लव और ब्रायन इवन नंबर ऑफ स्टेयर्स पर नहीं खड़े हैं। ठीक है, तो 11 से लेकर 19 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 11, 13, 17, 19। ठीक है, अब लव के नाम के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी कि उसके नाम के अंदर इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, तो वो खड़ा कहाँ पे होगा, खड़ा कहाँ पे होगा, ऑड स्टेयर केस पे। तो 11 पे हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम है, 13 पे हो नहीं सकता क्योंकि जॉर्ज है, 17 प्राइम में हो नहीं सकता, 19 प्राइम में बचा कौन सा, 15, बात खत्म। ठीक है चलो, क्योंकि ब्रायन की तो दिक्कत बाद में, ब्रायन तो इवन पे आएगा, तो इवन नंबर तो यहाँ पर, इवन नंबर तो वैसे भी प्राइम नहीं होते 2 के अलावा। The number of toffees with love is a multiple of her staircase number. तो लव के संग जो टॉफियां हैं वो उसकी सीढ़ियों का मल्टीपल है, तो 15, 30, 45, 30 ही है, तो 30 हो जाएंगी लव के पास। ठीक है सर, एक बड़ी वाली बात दोबारा बता दो, लाइन पढ़ो, पहले पढ़ो क्वेश्चन। The number of toffees with love is a multiple of her staircase number. कहाँ बैठा है लव? 15 पे। ट्रॉफियां कितनी हो सकती है उसके पास? 30 भी हो सकती है, हाँ 30 होगी। ठीक है ठीक है,
ब्रायन इज स्टैंडिंग अबव जॉर्ज, यानी कि ब्रायन है वो जॉर्ज से ऊपर खड़ा है, तो कहां पर आएगा ब्रायन? कहां पर आएगा ब्रायन? वेरी गुड। ओके, द स्टेयरकेस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रोनित बाय 5, यानी कि अंश का जो स्टेयरकेस नंबर है वो हायर है रोनित से 5 से। तो देखो अंश का जो स्टेयरकेस नंबर है वो हायर है रोनित से बाय 5। तो सबसे पहले तो ये तो आएगा आपका इवन पर, जो रख के देखेंगे से जरा। अब ये हाइयर है तो इसका मतलब स्टेयर के इस नंबर के हिसाब से जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, द स्टेयर केस नंबर ऑफ अंश इज हाइयर देन द स्टेयर केस नंबर ऑफ रोनित बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंश है ना वो नीचे आएगा, समझ में आया ये पॉइंट? क्योंकि यहां पर लिखा है द स्टेयर केस नंबर, समझ आया पाई ये लोग पॉइंट? ये नहीं समझ पाए आप लोग? अंश का जो स्टेयर केस नंबर है वो हाइयर है रोनित से बाय 5, इसका मतलब क्या? अंश नीचे की तरफ आएगा। तो अंश अगर नीचे की तरफ आएगा तो अंश ऑड पे बैठेगा, तो ऑड पे बैठेगा तो कहाँ बैठाओगे उसे? 19 पे बैठाओगे। तो अगर आप 19 पे बैठाते हो तो ये कितना बैठा है ऊपर? 5 नंबर ज्यादा बैठा है ना, 5 नंबर ज्यादा बैठा रोनित से। तो इसका मतलब ये है रोनित 14 नंबर पे आना चाहिए, और रोनित 14 नंबर पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बात करता हूँ, अगर 17 पे बैठाता तो 12 पे तो ऑलरेडी ब्रायन बैठा है, ठीक है, 16 पे आ नहीं सकता, तो बात खत्म हो गई। समझ आया? 6 लोग बैठ गए आपके, क्या के 6 लोग बैठ गए? चलो ना, रोनित हैज लेस देन 50 टॉफीज, तो रोनित के पास 50 से कम टॉफियां हैं, तो देखो कितनी हो सकती है, 35 चली गई, 30 चली गई, 36 चली गई, तो 35 30 36 चली गई, तो ये 57 31 टॉफी होंगी रोनित के पास। द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ टॉफी इज दैट ऑफ अंश, सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन सी है? 50 है, तो वो किसके पास है? अंश के पास, और ब्रायन के पास 57 टॉफी दूंगी क्योंकि वही बची। समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? इसे पढ़ो, द पर्सन हु हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज मूव्ड टू स्टेप 1 ऑफ द स्टेयरकेस, मतलब कौन है? ब्रायन है, तो ब्रायन को कहां पहुंचा दोगे? स्टेप नंबर 1 पे। समझ आया? द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफीज इज द प्राइम नंबर मूव्ड बिलो बाय 5 स्टेप इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड, the person whose number of trophy is a prime number, तो 57 prime नहीं है वो तो चला गया, 35 prime नहीं है, 30 prime नहीं है, 36 50 prime नहीं है, मतलब 31, रोनित के पास 31 trophy है जो कि अपने आप में एक prime number है, ठीक है? सर तो एक वही वही बात बताना कि 57 prime भी तो हो सकता है, किस चीज के लिए? कि एक बार line पढ़वाना है, एक बार नीचे करना, हाँ, तो 57 भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी प्राइम, हाँ ठीक है, ये प्राइम है, ठीक है, ठीक है। तो जो रोनित है वो 5 स्टेप नीचे चला जाएगा अगर वो जगह खाली पड़ी है, तो देखो 1 2 1 2 3 4 5 खाली पड़ी है तब तो जाएगा, भरी हुई है इसका मतलब रोनित नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड, अगर ऑक्यूपाई नहीं है तब जाएगा वरना नहीं जाएगा, ठीक है? अदरवाइज द पर्सन रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, आगे लिखा हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉफीज विद एनी टू पर्सन वाज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि किसी भी दो लोगों के बीच में अगर उनकी टॉफियों का अंतर 10 का गुणा है,
देन दे स्वेप्ट देयर पोजिशन, तो उन्होंने अपनी पोजिशन को इंटरचेंज कर लिया. तो 57 के संग आना चाहिए था 47, 37, 27, ऐसा कुछ नहीं है. 35 के संग आना चाहिए था 45, 55, 25, 50, ऐसा कुछ भी 50 नहीं है. 30 आ रहा है इन दोनों में तो. अच्छा 30 और 50 है बस. तो क्या होगा, अंश और लव अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे. आगे देखो, इफ द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, समझो ना, द पर्सन हुज नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, स्टेयर नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेयर नंबर है, लेकिन वैसे भी अगर नहीं दिया होता समझ जाना कि नंबर यहाँ पर क्या मतलब है. हुज स्टेयर नंबर कभी कभी देते नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर पता है, एक तो टॉफी होगा नंबर और स्टेयर नंबर. एंड द नंबर ऑफ टॉफी इज अ परफेक्ट स्क्वायर मूव्ड 10 स्टेप्स अबव. तो ना तो ये आपका, जैसे ब्रांड की तो बात खत्म हो गई, ठीक है, बात आती जॉर्ज की नहीं, राहुल नहीं, लव भी नहीं, ठीक है, अब देखो 50 भी नहीं. अब एलेक्सा की बात आती है, एलेक्सा के पास 36 ट्रॉफियां हैं, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 10 स्टेप अबव मूव कर जाएगा. मतलब एलेक्सा 18 पे बैठा है तो 10 स्टेप अबव मूव करने का मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सर एक बार ये वाली बात दोबारा बताना, पढ़ो इसे क्या लिखा है. The person whose number and the number of trophies is a perfect square move 10 step above. मतलब या तो उसके पास उसकी जो सीढ़ी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, या तो उसके पास नंबर ऑफ स्टेयर नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. दोनों चीज नहीं है, दोनों चीज नहीं बोला ममता, वहां पर एंड लगा हुआ है, वहां पे एंड का मतलब कोई एक भी हो सकता है, ठीक है. और होता ना फिर, और होता तो फिर, अगर जो इतना दिमाग लगा रहे हो, वहां पर दोनों चीजों के लिए लिखा होता तो उसमें लिखा होता इफ बोथ, समझ में आ रहा है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफी इज अ परफेक्ट स्क्वायर मूव 10 स्टेप अबव, मतलब इसमें से कोई भी बंदा ऊपर जा सकता है, ठीक है. आगे देखो, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफीज आर ऑड नंबर रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन. ओके, अब यहाँ पर एक चीज है, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफीज आर ऑड नंबर रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन. तो हमने ब्रायन को मूव किया था, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफीज आर ऑड नंबर. ये वाली बात मेरे को दोबारा बता दो, ये जो आपने कहा है 36 वाली बात, पढ़ो ना उसे, यहाँ पे क्या लिखा है, the person whose number and the number of trophies is a perfect square moves 10 steps above. इसमें ये लिखा है, जिस पर्सन के स्टेयरकेस नंबर या ट्रॉफियों का संख्या अगर स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएगा. हाँ, फिर चढ़ा तो दिया एलेक्सा को, एलेक्सा के पास 36 ट्रॉफियां थी, बात खत्म. अब आगे क्या दे रखा है, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफीज आर ऑड नंबर्स रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन. तो देखो, ब्रायन के पास जो नंबर ऑफ ट्रॉफीज है वो क्या है, ब्रायन के पास जो नंबर ऑफ ट्रॉफीज है वो क्या है, ऑड है, बताओ मुझे. तो ब्रायन नहीं जाएगा पहली सीढ़ी पे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर and the number of trophies or odd numbers remained in his original position. ठीक, जॉर्ज को मूव करानी है, रोनित को करानी है, उसके बाद यहाँ पर जॉर्ज ही चला जाएगा ना. जॉर्ज को भेजना क्यों है, जॉर्ज कहीं गया ही नहीं था पहली बार. यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, the person whose number and the number of trophies or perfect score moved 10 steps above, the person whose stand number and the number of trophies or odd numbers remained in original position. ब्रायन को मूव किया था इन्होंने, लव और रोहित को मूव किया था 15-50, इसके बाद एलेक्सा को ले गए हैं, तो इवन है, ठीक है. इसके एक्स में एक ये रूल है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने क्लियर नहीं कराया यहाँ पर, द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफी इज अ परफेक्ट स्क्वायर मूव 10 स्टेप्स अबव. The person whose stair number and the number of trophies or odd number remained in the original position. The person whose number and the number of trophies is a perfect square. अब यहाँ पर ये लोग ये चीज क्लियर नहीं कर पा रहे, ये दोनों के साथ है या एक के साथ है कंडीशन.
मेरे हिसाब से आप लोग सही बोल रहे, दोनों के साथ जाना चाहिए क्योंकि द पर्सन हुज, क्योंकि फिर तो इसके हिसाब से कोई मूवमेंट ही नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला भी मूव नहीं करेंगे, फिर द पर्सन हुज स्टिल नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉपिक आर ऑड, इसके हिसाब से फिर इनकी पोजीशन स्वैप भी नहीं होगी लव की और अंश की, इसके हिसाब से तो लव की और अंश की पोजीशन भी नहीं होगी क्योंकि 15 नंबर तो इनका सीडी नंबर हो गया तो वो तो ऑड हो जाएगा और अंश का भी सीडी नंबर 19 है तो वो भी ऑड नंबर, ऑड नंबर्स वाली बोथ कंडीशन ओनली जॉर्ज इज फुलफिल्ड है। बट ममता जॉर्ज को तो मूव ही नहीं कराया कहीं, जॉर्ज तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, जॉर्ज को तो कहीं मूव ही नहीं कराया था। चलो इसको एक चीज करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन दोनों कंडीशन को मांग रहा है तो एलेक्सा 9 पे ही रहे, 9 पे ही आएगा, 9 पे कहां से आ जाएगा, 9 की तो बात नहीं हुई, 8 पे आएगा, आएगा तो प्रणति 9 पे कहां से आएगा, नौ पे तो आएगा ही नहीं, वो आठ पे आएगा अगर दस सीढ़ी पर जाता है। लव एंड अंश की पोजीशन ऑलरेडी स्वैप कर दी है, अरे शीनू गांधी वो तो स्वैप कर दी है, वो तो सब ठीक है, लेकिन लास्ट में एक बात और बोली गई है, द पर्सन हुज स्टीयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉपिक आर ऑड नंबर्स रिमेंड इन ओरिजिनल पोजीशन, उनका मूवमेंट नहीं कराया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर दोनों कंडीशन को लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से एलेक्सा भी मूव नहीं करेगा क्योंकि अगर दोनों चीज चाहिए तो एलेक्सा अपनी जगह पर बना रहेगा, ठीक है, एलेक्सा विल नॉट मूव। और अगर उसके बाद अगर सेम मीनिंग के साथ जाते हैं कि द पर्सन हुज स्टीयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉपिक आर ऑड रिमेंड इन ओरिजिनल पोजीशन, मतलब दोनों चीज अगर ऑड थी तो यहाँ पर देखो ब्रायन की पोजीशन तो थी वो इवन थी बट टॉफी ऑड थी, तो मतलब इसको लेकर जाएंगे, जॉर्ज ने कोई मूवमेंट किया नहीं था, रोनित ने कोई किया नहीं था, एलेक्सा का हो नहीं पाया था, लव और अनिश ने स्वैप करा था, तो इनका अगर बात करा जाए तो दोनों का इवन ऑड है, तो मतलब ये बनेगा अगर हम दोनों को मान के चलते हैं। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है क्योंकि कितना इफेक्ट डल रहा है इस चीज का, तो देखो हु अमंग द फॉलोइंग स्वैप्ड देयर पोजीशन, तो इसका आंसर तो क्लियर है कि अंश और लव होगा क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया था, स्वैप किया था, समझ आया, मतलब इंटरचेंज, हाँ स्वैपिंग का मतलब इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द न्यू स्टेयरकेस नंबर ऑफ एलेक्सा, तो देखो इसका मतलब अब उन्होंने पता क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द न्यू स्टेयरकेस नंबर ऑफ एलेक्सा, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कि जब वो ये चीज पूछने आ गए कि व्हाट इज द न्यू स्टेयरकेस नंबर ऑफ एलेक्सा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, इन्होंने क्वेश्चन में कंफ्यूजन छोड़ा है, एलेक्सा मूव करा है, इसका मतलब पता है क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होती है तो वो बंदा मूव कर जाएगा, मतलब एलेक्सा एट पोजिशन पर आ जाता है। अब उसके बाद नीचे के हिसाब से तो फिर स्वैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ये डाउटफुल है ये चीज, ठीक है, तो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है, बाकी आपको समझ में आया, लास्ट के पॉइंट में ना थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है इसके अंदर क्योंकि वो लोग यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे बोथ करना है या और करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली फिर आप क्या करो, ऑप्शन के हिसाब से देख लो भाई, ऑप्शन दे रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ आया, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा ना, अरे मेरी बात सुनो सोनाक्षी, लास्ट में आके रूल के हिसाब से वो स्वैपिंग भी नहीं करते, लास्ट में आके रूल के हिसाब से स्वैपिंग भी नहीं करते तो लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर स्वैपिंग के लिए सिर्फ दो ही पेयर तो एलिजिबल थे, लव और अंश, मान के चलो कि इनको स्वैप कर दिया, लेकिन अगर फिर उसके बाद जब रूल आया तो वापस अपने पोजीशन पे आ गए, लेकिन पोजीशन स्वैप तो हुई उनकी, स्वैप के लिए तो कोई और पेयर बनी नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है, समझ आया संदीप सर, ये आप कह रहे हो वापस आ गए, वापस कैसे आ गए, अरे वापस इसलिए आ गए, आप इसको आपको समझना बड़ी टेढ़ी चीज है क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि ये दोनों कंडीशन को साथ में लेके चल रहा है या एक कंडीशन पे ही मूवमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा गया ना ये वाला सेकंड वाला कि व्हाट इज द न्यू स्टेयरकेस नंबर ऑफ एलेक्सा, इसका मतलब उन्होंने एक ही कंडीशन पे मूव कर दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर बात ये आती है कि आप एक कंडीशन पे मूव कर रहे हो तो आपने लास्ट में आके तो ये रूल पढ़ा, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉपिक आर ऑड नंबर रिमेन इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहले लव और एलेक्सा को मैंने लव और अंश को इंटरचेंज कर दिया था, लेकिन इनमें से इसकी सीडी नंबर और इसकी सीडी नंबर दोनों ऑड थी तो ये दोनों वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन इनने पहले अपनी पोजीशन को स्वैप तो करा होगा ना, ठीक है, ये ना 10 मार्क वाला क्वेश्चन था ये जो आपका मेंस में आता है,
समझ आया सबको? हाँ ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप इसको थोड़ा पेशेंस के संग पढ़ते ना तो 12 मिनट में, 12 मिनट से 13 मिनट में इस क्वेश्चन को बना लेते। अगर आप 12 से 13 मिनट में इस क्वेश्चन को बना लेते तो 10 नंबर आपको मिल जाते, और मेंस में 10 नंबर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। 15 मिनट के अंदर 10 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज होती है, वो आप जब पेपर दोगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, दस मिनट के अंदर हो जाता, नहीं तो 12 मिनट में भी करते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न ना दो कंडीशन में नहीं बनाना पड़े, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इसमें चीजें बहुत सारी है ना आपके सामने। चलो क्लियर है क्वेश्चन, अब एक काम करो इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ट्राई कर लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर तो मतलब हम ऊपर वाले क्वेश्चन में एंड माने या क्या माने? मेरे को नहीं पता, क्योंकि वहां पर एंड और का मीनिंग अलग अलग दिया होता है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना पड़ेगा। मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ, उन्होंने लैंग्वेज में आपको डाउटफुल छोड़ा है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं हर चीज का मीनिंग हमेशा आपको क्लियर कर, मैंने ऑप्शन के हिसाब से देख के चीज को बाद में बताया। ठीक है, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन, लेकिन वो दोनों कंडीशन को फॉलो लास्ट में नहीं कर रहा, एक में कर रहा है एक में नहीं कर रहा है, तो ठीक है वो क्वेश्चन ही डाउटफुल है, इसलिए आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। हाँ तो हम क्या माने कि भाई दोनों है या एक ही है? भाई आप कुछ नहीं मानना, आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से मान लेना। ठीक है सर, मेरे को ये नहीं समझ आया नीचे वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एंड का जनरल मीनिंग होता है दोनों, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक लिया है। अब मैं क्या करूँ, उन्होंने अगर जनरल मीनिंग को चेंज कर दिया है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो कैसे भी अल्टर कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। वो चीज बोल रहा हूँ, एंड का मीनिंग अगर होता है तो एंड का मतलब दोनों चीज ली जाती है, और होता है तो कोई एक चीज होती है तो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एंड लगाया है लेकिन कंडीशन और की ली है, तो अब क्या करूँ मैं इसमें। ठीक है, ये ऐसा सेम डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन लिया मैंने प्रीवियस ईयर का। चल क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ये पीपीटी मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो आपके पास ही रहेगी। रुको एक सेकंड, ठीक है ऐसे और क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे संदीप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं मिलते मेंस के, ढूंढने पड़ते हैं एक एक क्वेश्चन। बोलो हिमांशी। सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना वो समझा देना, क्योंकि उसका आंसर तो मेरे पास है। समझा दूंगा। हाँ ठीक है, अभी आप लोगों के भी क्वेश्चन सुना के आपके दो क्वेश्चन पढ़े मैं भेजता हूँ। ठीक है भेजता हूँ क्वेश्चन, आप सबको सॉल्यूशन भेजता हूँ। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ठीक है कर लेना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।